is er iemand die zich geïnspireerd voelt om te zingen? Ja, wie ook, die kan. Wie ook? Ja, ik weet niet. Het is verder aan degene die. Als Maharaj dit gaat zeggen. Ja? Nee, zeg, als Maharaj dit. Dat weet ik. Wil je zingen? She's ready. Oké. Always ready. Yeah, born ready. Was het 72 was? Nee, bij mij is het 20. Ander boek. Oh,
Kijk, je kan bijvoorbeeld een liedje met iedereen een Alinea zingen. Radica, Didi, jij en Didi. Hebben jullie ook een debuut? Nu nog een keer zingen, zo leuk! Wat je wil. Nu, we kunnen nu gewoon zingen wat we... Jullie willen. Ga jemmers. Nee. En ja, voor de camera. Oh, ah, dat mag zingen. You, if you want to sing, look at it. Ik zit wel hier. Radisham, 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 Radisham. Radisham, 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 Radisham. Om Raja Janamana Sukaka. Yeah.
Tomorrow,
ik het eigenlijk net niet. Om Gyanati Miram Dhasya Jnana Anjana Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Yastadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Vanshakalpatarubhasya Kripasindhubhasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namo Vajrakishena E Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Yajagpate Gopesha Gopika Kanta Sri Radhaka Namaste Tapta Kanchana Varangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhani Sute Pranamami Hare Dhiriye Vrindai Tulasi Devai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Praderi Satyavati Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadra Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Mama dat vind je niet, ik vind dat niet. Ze heeft gedaan. Zet maar, zet maar. Ja, maar. Ja, maar. Die met die witte, koerte aan. Met die bril. तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रभुष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदै श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। बोले हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन श्री कृष्ण कृपा प्रभु और श्यामा प्रिया दीदी इन्होंने आज अपना घर में भक्तों को निमंत्रण दिया है। आज हमारे घर में कीर्तन हो, हरि कथा हो, इसलिए ये भगवान की जो कथा है, भगवान की जो कीर्तन है, वो बड़े भाग्य से जीवों को प्राप्त होता है। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारी निमिष दंड
हरे कौवारे। बोले पार्वती भगवान की जो कथा है जो सत्संगति है दुर्लभ संसारे, इसी संसार में बड़ा दुर्लभ है, इसलिए बड़ा दुर्लभ है भगवान की कथा और सत्संग है। और इतना दुर्लभ है श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे परीक्षित महाराज, बोले स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते जो सौभाग्य आज हमें मिला है, कहते भैया स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनको सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम सवेरे कथा सुन रहे थे, किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद को, क्या देवताओं से ये मानव श्रेष्ठ है? तो प्रभुपाद कहते हैं बोले हाँ देवताओं से भी ये मानव श्रेष्ठ है। बोले क्यों? बोले देवलोक में तो भोग है लेकिन वहां हरि कथा नहीं, और वो पुण्य खत्म होते ही उनको पुनः स्वर्ग से गिरना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति कथा मृत रूपी भगवान की कथा रूप कथा मृत रूपी अमृत को पान करते हैं वो कहाँ जाते हैं? बोले भगवान का धाम को जाते हैं। और जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, जिस धाम को जाने पर जीव पुनः ये संसार में कभी जीव को आना नहीं पड़ता है। लेकिन स्वर्गामृत क्या प्रदान करता है और कथामृत क्या प्रदान करता है? कभी स्वर्गामृत ही अभिमान को देता है। इसलिए पता नहीं कितना बार इंद्र स्वर बना कभी है, कभी सारा शरीर में भग हो गया, पता नहीं कितनी दुर्गति इंद्र को हुई। स्वर्ग में देवता होकर के भी बड़ा दुर्गति इंद्र को प्राप्त हुआ है। इसलिए लेकिन जो कथा अमृत है बोले स्वर्गामृत तो अभिमान को प्रदान करता है, पुण्य को खत्म करती है, लेकिन कथा अमृत क्या करती है? भक्ति को बढ़ाती है, पुण्य को बढ़ाती है कथा अमृत। इसलिए आप स्वर्ग जा सकते हो लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई कर्म नहीं जो करके फिर तुम इस मर्त्य जगत में ये मानव शरीर प्राप्त कर सकते हो। इसलिए श्री भगवान राम अयोध्यावासियों को समझाते हैं। बोले क्या समझाते हैं? बोले बड़े भाग मानो स तन पावा, बड़े भाग मानो स तन पावा, सूर दुर्लभ सदा ग्रंथ न गावा, सूर दुर्लभ ग्रंथ न गावा, बड़े भाग मानो स तन पावा। भगवान अयोध्या वासियों को समझाते हैं बड़े बड़ी भाग मानस तन पावा, कहते बड़े भाग्य से ये मानव शरीर जिसको प्राप्त होता है। कहते सुर दुर्लभ, पुण्य कर्म करके तो कोई स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग में इसे कोई काम नहीं तो करके फिर ये मानव शरीर पा सकते हो। पता नहीं स्वर्ग के बाद में कुत्ते गधे सुअर पेड़ पौधा पता नहीं कौन सा जीवन में जाओगे, लेकिन तुमको ये मानव शरीर नहीं मिलता है, हैं? ये मानव कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं। बोले किसको कह रहे हैं? बोले अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। इसलिए बोले हे अयोध्या वासियों, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर, अब विशेष करे आप लोग हिंदू सनातन धर्म में हैं, हिंदू सनातन धर्म में जन्म ग्रहण करना ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए कहते जो भगवत कथा है स्वर्ग सत्य च कैलासे, स्वर्ग में भी नहीं कहती ये कथा, ब्रह्मलोक में भी नहीं कहती ये कथा, कैलाश में भी नहीं। बोले कैलाश की बात छोड़ दो, ये भगवत कथा बोले वैकुंठ नास्ते रस, कहती ये कथा वैकुंठ में भी नहीं। आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय भगवान राम अभी ये मर्त्य जगत छोड़ करके अपना दिव्य धाम में सांकेत में जाना चाह रहे वैकुंठ में, इन्होंने देखा सबके सब सारे अयोध्या वासी बैठे हैं तैयारी जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए सबके सब तैयारी है, लेकिन देखा हनुमान जी है नहीं। बोले भैया हनुमान जी क्या कहाँ गया? हनुमान जी कौन? कहते हैं ना
दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान जी को ढूंढो। तब तो उन्होंने हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते देखा हनुमान जी घर के एक कोने में बैठे हैं, और कोने में बैठ कर क्या कर रहे हैं, भगवान की नाम को जप कर रहे थे। बोले रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीत, जी को बैकुंठ छोड़ना और हनुमान जी को बैकुंठ छोड़ना पड़ता है, लेकिन हलांड वासियों को, हाँ देखा हलांड वासियों को, आपको कुछ छोड़ना पड़ा, आपको आपको घर छोड़ना पड़ा ना, दुकान मकान कुछ छोड़ना पड़ा, कुछ भी छोड़ने का जरूरत नहीं। कहती ये कथा रूपी गंगा बहते बहते वृंदावन में कहाँ आ गई, श्री कृष्ण कृपा प्रभु के घर में आ गए। इसलिए कहती कथा कृष्ण कृपा प्रभु घर में, श्यामा प्रिया दीदी घर में आ गए, और हम घर में बैठ बैठ करके ये कथा रूपी गंगा में हम लोग ने स्नान कर लिया। इसका मतलब है आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि भगवान की कथा रूपी गंगा में हम नहा रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाथ अमृत द्रव संजुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान की कथा किया है, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, ये कथा नहीं, कहते ये क्या है, बोले ये कल्प वृक्ष है, हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम लोग कल्प वृक्षों को नीचे बैठे हैं। कल्प वृक्ष का मतलब होता है जो मांगो वही मिलेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते बोले अकाम सर्व काम बा मुक्ष्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। कहते भगवान की कथा बोले अकाम, अकाम मतलब होता है जिसके मन में कोई भी कामना नहीं, बोले सर्व काम बा जिसकी मन में सब कुछ इच्छा है, हमें बढ़िया दुकान मकान घर, बढ़िया पत्नी बढ़िया पति बढ़िया बेटा बेटी, हमें सारे सब चीज हमें चाहिए है, हम बोले मुख्य काम उदारधि जिसकी कौन सा इच्छा, संसार की जन्म मृत्यु से हम चिरकाल के लिए मुक्त होकर के हम भगवान को धाम में जाना चाहते, सर्व काम बा हाँ उदार अधि बोले तीव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम। कहते भगवान हाँ वो क्या करते हैं, बोले परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को भजन करते हैं। इसलिए जो कहती है जो कथा है कथा नहीं, हम सबके सब श्री कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हैं, हम जो कुछ मांगेंगे हाँ ये कथा से हम जो कुछ भगवान से मांगेंगे भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। कदे जो रोगी है उसे निरोग प्रदान करते हैं, जो दुखी है उसे सुख प्रदान करते हैं, जो संतानहीन उसके संतान प्रदान करते हैं, जो अर्थगामी उसको अर्थ, जो मांगो ये भगवान की कथा सब इच्छाओं को, ये भगवान की कथा सब इच्छाओं को ये भगवान की कथा पूरी करते हैं। इसलिए बोले निगम कल्प तरूर, कहती जो भगवान की कथा है, जो कहती जो श्रीमद् भागवत है ये क्या है, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कहती ये एकदम पक्का हुआ फल है। इसलिए बोले फल दो तरह का है, कितने तरह का फल है, कितने तरह का, क्या क्या है, कहते एक फल होता है, आप लोग तो सूरीनाम के हो, आम खाए हो, कौन कौन आम खाए हो, सब खाए हो, देखना एक फल होता है जो पेड़ में पकने से पहले उसको तोड़ करके अपना घर में गर्मी में रख करके कार्बाइट दे करके पका देता है, एक फल होता है।
दूसरा फल होता है जो पेड़ में अपने आप पक जाती हैं, अपने आप पक जाती हैं। आप बताओ दोनों फल में सबसे स्वाद कौन सा फल है? अरे बोलो, हाँ जो पेड़ वाला है। इसलिए कहते जो भगवान की कथा है, कहते भागवत कथा क्या है, बोले गलितम, गलितम मतलब होता है जो पेड़ में अपने आप जो पका है, हैं? फिर इतना नहीं, बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। कहते एक में तो पेड़ में पका है और दूसरा उसमें क्या है, बोले उसको एक तोता ने, सुक पखी ने उसको चोंच मारे, हैं? इसलिए कहावत है दो तरह का है, जो सुक है जो तोता है इसके अंदर में एक विशेष गुण। बोले क्या गुण है? बोले भैया कच्चा फल में वो चोंच नहीं मारेगा, उसका एक विशेष गुण है। कौन सा फल पक्का हुआ है ना उसको पता है, वो पक्के हुए फल में ही चोंच मारेगा, कच्चा फल में नहीं मारेगा चोंच। इसका मतलब है जो भगवान की कथा भागवत ये कच्चा नहीं, ये पक्का हुआ फल है। और दूसरी एक कहावत है, जिस फल में ये तोता ने अपना चोंच मार देता है ना उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है, उसमें ज्यादा मिठास उसमें ज्यादा आ जाती है, क्योंकि उसको अंदर में एक विशेष गुण है। जब उसने चोंच मारा उसमें जितना मीठा था वो चोंच मारते उसमें और भी ज्यादा मिठास आ गया, हैं? तब यहां पर हमारे टीकाकार कहते, बोले क्यों, ये कथा तो भगवान की कथा तो मधुर है, लेकिन ये कथा जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली उसमें और भी मिठास आ गया। बोले क्यों, कारण क्या? बोले उसका कारण बताए, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहती जो भागवत में जो तोता है वो साधारण तोता नहीं। बोले तोता कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, कहते राधा रानी का तोता है, हैं? राधा रानी जिसको अपना हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, जिसको कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, राधा रानी बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी बड़ी मीठी मीठी शब्द से बोले कृष्ण कृष्ण, हैं? कृष्ण कृष्ण। इसलिए जिसको अनार दाना खिला करती थी, अब कभी कभी राधा रानी क्या करती थी, बोले प्रिय चुंबनेन, राधा रानी कभी को तोता को चुंबन करती थी। बोले क्यों? बोले तोता को कृष्ण रूप मान करके उसमें चुंबन करती थी। जब चुंबन करती थी राधा जी की जो अधरा मृत है, राधा जी की जो अधरा मृत क्या हुआ, वो तोते के चोंच में राधा जी का अधरा मृत लग गया। जब अधरा मृत लग गया पास, इसलिए बाद में जब 88,000 ऋषि लोग थे जहां पर श्री व्यासदेव सुखदेव व्यासदेव नारद जी हैं पराशर सबके सब बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, कोई 100 साल से, कोई 200 साल से, कोई 500 साल से बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन जब कथा सुने हैं ना सबसे छोटे बच्चे से, सबसे छोटा बच्चा नंगा धड़ंगा शरीर में कपड़ा है नहीं, एकदम बच्चे एकदम छोटे, कहीं आता है 12 साल की थे और कहीं आता है 16 साल की, लेकिन वहाँ इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनसे कथा क्यों नहीं सुने, सबसे छोटे बच्चे से उन्होंने कथा क्यों सुने? बोले कारण है, कहती ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, कहती ये राधा रानी की ये प्रिय सुख है, इसलिए प्रिय सुख है। इसलिए जो राधा शब्द को, जैसे राधा राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा, अरे बोलो, राधा उसको उल्टा दो क्या होगा, धारा। कहती ये राधा रानी नहीं, कहती ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा है, ये राधा नहीं कृष्ण प्रेम रस की ये धारा है, हैं? इसलिए प्रेम स्वरूपिणी श्री राधा रानी होने का नाते, इसलिए कथा उन किससे सुने, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी से ये कथा सुने। इसलिए कभी ये सुख ने क्या किया, कभी ये राधा रानी की हाथों से उड़ते 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 कभी चला गया नंदगांव में, और नंदगांव में जा करके ना बड़े सुंदर रूप में राधा जी के नाम की कीर्तन कर रहा था। बोले क्या कर रहा था, बोले राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो।
जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुंह से भगवान कथा निकली उसमें क्या हुआ, अमृतम द्रव संयुतम, उसमें अमृत मिल गया, उसमें अमृत उसमें मिल गया। अमृत मिलते ही कभी जो कथा है ना उसमें और भी उसमें ज्यादा मिठास आ गया। बोले कारण क्या मिठास आने का, कारण क्या? बोले कारण है कभी जो सुखदेव गोस्वामी कभी ये एक राधा रानी की ये एक प्रिय सखी है। देखो साधारण लोग कथा सुनाए उसमें कितना आनंद है, लेकिन अगर राधा रानी की कोई प्रिय सखी अगर कथा सुनाए तो, राधा रानी की कोई अगर सखी अगर कथा सुनाए तो फिर वो कथा में कितने आनंद नहीं होगा, उसमें कितने रस नहीं होगा कथा में। इसलिए बोले सुख मुखात अमृतम द्रव संयुतम, इसलिए इनके मुंह से कथा निकली तो उसमें और भी ज्यादा मिठास आ गया। बोले ये एक कारण है। बोले सर तीसरा कारण बताए। बोले कथा में इतने मिठास क्यों आया? बोले ये कथा को सबसे पहले किसने पान किया? बोले भगवान कृष्ण स्वयं। फिर पान करके उन्होंने दिया किसी को? बोले उन्होंने दिया श्री ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी को फल खाए, उसमें ब्रह्मा जी की भी अधा मिलता आ गई। फिर ब्रह्मा जी खा कर किसको दिया? बोले नारद जी को दिया, उसमें नारद जी की भी अधरा मिलता है। फिर नारद जी खाकर किसको दिए? बोले उन्होंने श्री व्यास को दिए। फिर व्यास देव खाकर किसको दिए? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी को दिए। बोले सुखदेव खाकर के फिर किसको दिए? फिर उन्होंने देते हैं श्री परीक्षित महाराज को, सुतो गोस्वामी को। फिर वो सोन वो फल है ना, ऊपर से जितने नीचे आती जा रही ना उसमें और भी मिठास मिठास उसमें मिठास। जैसे पहले कृष्ण खाए, कृष्ण को बाद में राधा रानी प्रसाद पाती है, राधा कृष्ण का अधरा मृत लगी जाती है। फिर ललिता विशाखा खाती है उसके उनकी अधरा मृत। फिर श्री वो रस को फिर रूपो मंजरी, फिर उन्होंने श्री प्रभुपाद को दिया नयन मणि मंजरी खाए। फिर उसको बाद में हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज खाए विनोद मंजरी। फिर उन्होंने किसको दिया? फिर हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज रमण मंजरी। फिर वो फल फिर नीचे नीचे आते आते वो फल जितना नीचे आ रहे ना उसमें ज्यादा मिठास उसमें ज्यादा मिठास उसमें भरते जा रहे। और नीचे जो खाते हैं ना सबसे ज्यादा मीठा किसको मिलता है? सबसे ज्यादा नीचे किसको मिलता है? जो सबसे नीचे है उनको मिलता है।
इसलिए भक्ति जगत है ना, एक अलग जगत है, भक्ति जगत एक अलग जगत है, भक्ति जगत। इसलिए बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुत। कहते भैया, कहते वो जो फल है, कहते वो फल कहाँ पर था? कहते जैसे पेड़ है, पेड़ का जो सबसे जो ऊंचा शाखा थी, सबसे ऊंचे शाखा में वो फल था, लेकिन वो फल किसको देखा नहीं, कोई ऋषि मुनियों को वो फल देखा ही नहीं है, क्योंकि उस फल गुप्त रूप में था, लेकिन वो फल दिखा किस, उनको ये फल दिखा। बोले क्यों, वहां पर तो बड़े बड़े ऋषि लोग थे, वो फल सबको क्यों नहीं दिखा? बोले कारण है, जब तक कोई व्यक्ति गुरु परंपरा में नहीं आता है ना, जब तक वो शुद्ध गुरु परंपरा में नहीं आता है, कहते भैया उसको भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए तभी भक्ति प्राप्ति होगी जब तुम गुरु परंपरा में आओगे। और श्री सुखदेव गोस्वामी ये गुरु परंपरा से ही उन्होंने धीरे धीरे गुरु परंपरा में ही उन्होंने धीरे 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 गुरु परंपरा में आए, इसलिए फल तभी उनको दिखा है। इसलिए कहते हैं अगर वो भक्ति रस को पान करोगे तो जरूर गुरु परंपरा में ही आओ। इसलिए कहते भैया सबसे उच्च टहनिया में फल था, वो एकदम पका हुआ फल, थोड़ी सी हवा की झोंक आई और फल गिरा, लेकिन अगर सबसे ऊंचे शाखा से अगर वो फल गिरेगा फिर नीचे आकर के तो सबके सब फट जाएंगे। फल क्या होगा, फल क्या होगा, वो फल फट जाएगी। बोले फल फटा नहीं? बोले नहीं, वो जितने नीचे आती गई ना उसमें और ज्यादा स्वाद आती गई, और वो गुरु परंपरा से आई। जैसे मेरे पास में कोई फल है, ये फल को मैंने विजय प्रभु को दिया, विजय प्रभु ने किसको दिया, क्या नाम, राधिका को दिया, राधिका किसको दिया, रागलेखा दीदी को, रागलेखा दीदी किसको दिया, ममता दीदी को, ममता दीदी ऊर्जेश्वरी को दिया, ऊर्जेश्वरी ने ऐसे किसको दिया, कहते श्री शशिकला को दिया। अगर वो फल पीछे पीछे जाते 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 हैं, अगर वो फल फिर वो दीदी को पास में पहुंचा, फिर वो फल किसको पास, अनंगा देवी को पास में पहुंचा। अगर इसको हाथ हाथों में ये फल जाए ना, वो फल में थोड़ी सी दाग तक भी नहीं आएगी, वो फल में थोड़ी सी दाग तक भी नहीं आएगी, वो जैसे अगर तैसे वो फल जाकर वहां पर पहुंचती। इसलिए कहते भैया वो फल में थोड़ी सी भी दाग भी नहीं आया, बल्कि वो फल जितने नीचे आती गई ना, फल में और भी स्वाद आती गई। बोले क्यों, पहले कृष्ण खाए, राधा रानी को दिया, ललिता को दिया, रूपमंजरी को दिया, जो नीचे आ रहे ना सबका अधरा में लगते लगते जो नीचे आ रहे सबसे ज्यादा रस उसको मिला। इसलिए भैया कहते वो फल में थोड़ी सी भी दाग नहीं आई, वो पूरा के पूरा यूं की त्यू जगत में फल आ गया है। इसलिए बोले सुख मुखात बोले अमृतम। इसलिए भगवान की कथा को क्या उदाहरण दिया, बोलिए अमृतम द्रव संयुतम, इसलिए उसमें रस आ गया, फल में रस आ गया। इसलिए क्या करो, बोले खूब पियो, क्या करो, क्या करो उसको पियो ना, पियो। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं, फल को खाते हैं ना फल को पीते हो, बोलो आप प्रश्न करते हैं, जोर से बोलो, फल को खाते हो ना फल को पीते हो, अरे जोर से बोलो, खाते हैं फल को, कोई नहीं पीते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं इसको पियो, इसको पियो। बोले पिएंगे कैसे, आप बता दिया फल, फल को तो पीते नहीं, फल को तो खाते ही। बोले वो ऐसे के फल है ना जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली नहीं, जिसमें स्कीन और जिसमें सीड नहीं, केवल जिसमें रसी रस है, जिसमें है, जिसमें रसी रस है। और एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर देना, जब कोई रस को हम पीते हैं, आप बताओ किधर से पीते हो, अरे बोलो, मुंह से पीते हो, लेकिन अभी जो रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो, कानों से। बोले ये ऐसे एक रस है ना जिसको मुंह से नहीं पी जाती, जिसको किससे पी जाती है, कानों से पी जाती है। देखो कानों में पीना और मुंह में पीना कितना फर्क है, आप जो चीज मुंह में पियोगे वो नीचे निकलेगा, आप रख नहीं सकते हो। कोई भी चीज आप पियो आप अंदर में रख सकते हो, वो नीचे नीचे रख ले, वो रख नहीं सकते हो, लेकिन किसी चीज को जो कानों में पियोगे ना वो कभी निकलेगा, जो चीज को तुम कानों में पियोगे वो कभी निकलेगा नहीं, लेकिन जो चीज तुम मुंह से पियोगे वो निकलेगा, तुमको रख नहीं सकते हो। इसलिए कहते भैया ये जो कथा रस को
मुंह से मत पिया करो, किधर से पिया करो, कान से पियो, हैं? कान से पियो, बोले पीबतम कहते रसमालयम, ये रस का समय को पियो। बोले भैया पीते तो है लेकिन एक तरह से पीते और दूसरे तरफ से निकल जाती है, वो ठीक नहीं रही है। कथा से उसको पीते है लेकिन उसको पी करके रख नहीं पा रहे हैं, वो निकल जाती है। बोले क्यों? बोले हमारे अंदर में बहुत सारे छेद है, हमारे अंदर में बहुत सारे छेद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, हमारे हृदय में ये सब के सब हृदय में जो भरा पड़ा हुआ है, हां, ये सब के सब हृदय में भरा पड़ा हुआ। इसलिए बोले धर्म प्रजीत कैतवत्र परम निर्मत सरनाम सताम। ये जो भागवत धर्म किसके लिए? बोले उनके लिए जिनके हृदय में कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, जिसका हृदय में कोई मात्सर्य नहीं। मात्सर्य किसको कहते हैं? दूसरे को अच्छाई दे करके हृदय में जो हमारी पीड़ा और ज्वलन है इसको कहते मात्सर्य। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं धर्म प्रजीत कैतवत्र परम निर्मत सरनाम सता। कहते जो भागवत धर्म किसके लिए? कहते निर्मत हृदय, जिसका हृदय में कोई मत्सरता नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, उनके लिए ये भागवत धर्म है, है? उनके लिए ये भागवत धर्म। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं हृदय में मात्सर्य नहीं रखनी चाहिए, है? हृदय में कभी मात्सर्य को मत रखा करो। देखो बोले काम को लगा दिया कहाँ पर? बोले काम कृष्ण कर्मा पर। काम को कहाँ लगाओ? भगवान की सेवा में लगा। बोले क्रोध को कहाँ लगाओ? जो भगवान की जो द्वेषी है, भगवान की जो विद्वेषी है, जैसे हनुमान जी पूरा लंका जला दिया, इसलिए उन्होंने लंका जला दिया काम क्रोध। बोले लोभ, बोले लोभ को कहाँ लगाओ? बोले साधु संग हरि कथा, जहाँ पर भगवान की कथा हो रही है लोभ वहां पर लगा दो, हैं? इसलिए काम क्रोध लोभ मोह। बोले मोह को कहाँ लगाओ? बोले मोह को इष्ट गुण गाने, भगवान की कीर्तन में लगा दो, भगवान की कीर्तन में लगा दो इष्ट गुण गाने। इसलिए लेकिन हर चीज को तो लगा दिया अलग अलग जगह पर, लेकिन जो ये मात्सर्य है ना, ये मात्सर्य को कहीं नहीं लगा। ये मात्सर्य भक्ति जगत में इतनी गंदी चीज है मात्सर्य, इसको कहीं नहीं लगा, मतलब इतनी गंदी चीज इस चीज को कहीं नहीं लगा दिया। इसलिए कहते हैं निर्मत सरनाम सता। यदि जो भागवत धर्म है किसके लिए है? बोले जिनके हृदय में कोई मत्सरता नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष इसके हृदय में नहीं, उनके लिए ये भागवत धर्म है, उनके लिए ये भागवत धर्म है। इसलिए बोलते सरनाम सतान, है? ये संतों के लिए ये धर्म है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं पीबतम रसमालयम। कहते भैया पीते तो है सब निकल जा रही, ठीक नहीं रहे, एक तरफ पियो दूसरे तरफ निकल जाती। बोले भैया क्या करनी चाहिए? क्या क्या? एक उदाहरण दिया, जैसे कलसी है, हाँ, जैसे कलसी है, कलसी में छेदी छेदी है, उसमें छेदी छेद है। अगर ये कलसी में कोई चीज फिर रखोगे क्या होगा? पानी डालोगे तो क्या होगा? निकल जाएंगे। पानी डालोगे तो क्या होगा? क्योंकि उसमें छेदी छेद है ना, एक तरफ पर डाला दूसरे तरफ में निकल जा रही है। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है वो कलसी में छेदी छेद रहेगा, लेकिन वो छेद के छेद रहने पर भी अगर कोई चीज डालोगे ना कभी निकलेगा नहीं, कभी उससे निकलेगा नहीं। कहते ऐसे क्या उपाय है? बताओ क्या उपाय है? पूरा छेद ही छेद है, कोई चीज डालो तो वो निकल जाएगा। ऐसे कौन सा उपाय है? भले इसमें जितना छेद क्यों नहीं हो लेकिन वो कभी पानी निकलेगा नहीं। क्या उपाय बोल दो? मैंने पहले बताया था ना, भूल गए? कौन बोलेगा हाथ उठा? कौन बोलेगा हाथ उठा? प्रश्न करो। हाँ, और कौन बोलेगा? वो पूरा छेद छेद कलसी है, लेकिन क्या इसे उपाय है? भले जितना छेद क्यों नहीं हो अगर डालोगे तो कभी इसमें एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा। कहते इसमें क्या उपाय? कहते अगर वो कलसी को पानी में डुबो करके रख लो ना, अगर ये कलसी को पानी में डुबो करके वो कलसी को पानी में डुबो कर रख लो, भले उसमें जितना छेद क्यों नहीं हो नहीं निकलेगा। बोले क्यों? बोले वो ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ है, वो पानी में डूबा हुआ,
इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुह रहो, मतलब है अगर हम हर समय भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी में डूबे रहेंगे हैं, इसलिए प्रभुपाद यही बात कहते हैं, प्रभुपाद अगर हर समय हम भगवान की कथा कीर्तन भगवान का नाम भजन में अगर हर समय अगर हम डूबे रहेंगे ना, भले ही जितने काम क्रोध लोभ क्यों नहीं हो उसको समय नहीं मिलेगा, ये सब चीज में उसका समय नहीं मिलेगा। जब हमारे अंदर में समय मिलता है ना, फिर तो हम इधर उधर की बात करते हैं, हैं? उसकी निंदा उसकी बुराई उसको, लेकिन तुम्हारा समय नहीं तुम्हारे पास में, फिर तुम कहाँ से दूसरे की निंदा चर्चा चुगली करोगे, कहाँ समय नहीं तुम्हारे पास में। इसलिए कहते हैं मुहु रहो, भैया हर समय उसमें डूबे रहो। कहते भैया ये रस को कौन पान कर सकते हैं, कहते जो प्रेम रस को कौन पान कर सकते हैं, कहते दो व्यक्ति केवल पान कर सकते हैं, सब नहीं पान कर सकते। बोले दो व्यक्ति कौन, व्यक्ति जो पान कर सकता है, बोले एक रसी, रसी का और एक भावु का, है जो रस में डूबा हुआ हो कृष्ण भक्ति रस में, और जो कृष्ण प्रेमी जो भावुक है, कहते रसिक है और जो भावुक है ना, केवल यही दो व्यक्ति ये रस को पान कर सकते हैं। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को भी यही कहते हैं, बोले कौन पान करता है, पार्वती बोले तिहारी कृपा जा पर होई, अतिहारी कृपा जा पर होई, पाब दे संगत सो सब कोई गोता नहीं लगा सकते हैं, बोले कौन गोता लगा सकता है, बोले अति हरि कृपा जा पर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो जाए, हैं? एक तो कृपा होता है घुमा फिरा करके और एक कृपा होता है सीधा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी की एकदम सीधा नजर पड़ जाती है ना, सीधा कृपा हो जाती है, पाप तेहि यह संगत सोई, तभी जीवन में भगवान की कथा भगवान की लीला कथा तभी जीवों को सुनने को तभी प्राप्त होता है। इसलिए रसिका भूवि भावु का मोहरा हो रसिका भूवि भावु का, तब यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बोले भैया ये रस है क्या चीज, कहते रस क्या है, कहते जो रस है राधा कृष्ण का प्रेम रस ही रस है, हा? उनका जो प्रेम रस ही रस है, कहते वो जो रस है कहते ये कृष्ण का अधरामृत ही रस है, कृष्ण की अधरामृत रस है। कहते भाई अधरामृत को कौन पान करते हैं, बोले यद्यपि ये भक्ति रस को सब पान करते हैं, उनका जो दास्य रस का भक्त वो भी पान करता है, उनका सख्य रस का भक्त वो भी पान करता है, उनको बात्सल रस का भक्त वो भी पान करता है, लेकिन पूर्ण रूप में ये रस को कौन पान करते हैं, बोले ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपियां। इसलिए बोले आराध्य भगवान ब्रजस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचीद उपासना ब्रजवधु वर्गे न जा कल्पिता, है इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्राधरनापर। इसलिए कहते महाप्रभु का विचार सिद्धांत है, क्या विचार सिद्धांत है, बोले गोपियों ने जैसे कृष्ण भक्ति रस को पान किया ना, ऐसे किसी ने भी पान नहीं किया। इसलिए कैसे पान करो, गोपियों की अनुगत्य में, हाँ गोपियों की अनुगत्य में वो कृष्ण भक्ति रस को पान करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, कितना टाइम हो गया, 9 बज गया ना, 9:30 हो गया, हाँ 9 बज गया, 5 मिनट में 5 मिनट से ख़त्म कर देना,
कर सकते हैं। हाँ हरे कृष्ण। इसलिए हाँ इसलिए 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 गुरुदेव गुरुदेव कहते थे, हाँ गुरुदेव गुरुदेव उदाहरण देते थे, कहते एक समय ब्रज में एक नई गोपी शादी करके आई। कहते ब्रज में जो गोपियाँ शादी करके आती है ना, वो कोई साधारण लड़की नहीं है। पूर्व जन्म में जो श्रुतिचरी श्रुतियों ने जो कठोर तपस्या की भगवान की, ये सब के सब गोपी बन करके आई। भगवान राम जब दंडकारण्य में गए, कहते मुनिचरी कठोर तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे, लेकिन उनको सिद्धि नहीं हो रही थी। इसलिए उनको लोगों ने भगवान को पति रूप में प्रार्थना की। भगवान बोले तुम सबके सब वृंदावन में ब्रज गोपी बन करके आओ, हैं। इसलिए कहते वेद का मंत्रों ने बड़े तपस्या की, वेद मंत्र जनकपुरी का जो नारियां, इन लोगों ने तपस्या की, ये सब के सब द्वापर युग में सबके सब गोपी बन करके आए। जो गोपी बन करके आई, अभी एक नई गोपी आई घर में शादी करके, हैं, घर में नई बहू आई है। जब कृष्ण गैया चराने के लिए जाते थे, बड़ी मीठी मीठी भगवान बंसुरी बजाते थे, और वो बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रजवासी होते थे सारे काम धंधा वहीं पर रोक लाते थे। बोले क्यों? बोले अभी कृष्ण गैया चराने के लिए जा रहे हैं, फिर दिन भर कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा, हैं, कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा, इसलिए सबके सब काम छोड़ करके सबके सब आकर कृष्ण दर्शन करती थी। जो एक नई गोपी आई ना, बोले मैं भी एक बार कृष्ण दर्शन करने जाऊं, लेकिन उसको जो सांस थी, बोले नहीं तुम मत जाया करो। बोले क्यों? बोले वो काला सांप अगर काट देगा ना, कहते वो काला सांप अगर तुमको काट देगा फिर तो उसका जहर तुमको उतरेगा नहीं, हाँ वो जहर नहीं उतरेगा, इसलिए तुम मत जाया करो। बोले क्यों? क्या तुम्हारी बेटी जा रही है, मेरी ननद जा रही है, उसको काटेगा नहीं, और तुम डोकरी बूढ़ी होकर तू भी जा रही हो, तेरे को क्या सांप नहीं काटेगी, और हमारे जो ससुर वो भी बूढ़े हैं, कहते उनको क्या सांप नहीं काटेगा काला सांप, और मेरे को काट देगी। बोलो किसको काटने का नहीं, तेरे को ही काटेगा, इसलिए तुम उसमें मत जाया करो। बोले तो मैं जरूर जाऊंगी। अब ये किसकी बात सुनी नहीं, वो आ करके अपना घूंघट उतार करके वो दर्शन कर रही थी, कृष्ण को दर्शन कर रही थी। दर्शन करते समय वो तो नई गोपी आई, कृष्ण उसको भाव बढ़ाना आगे, कृष्ण ने क्या किया, वो गोपी को प्रेम देने के लिए एक बछड़े को उन्होंने उसको तरफ में मुंह करके उसका है पूछ को उन्होंने एंट दिया। एंटते ही वो बछड़ा फुदकते हुए एकदम वो गोपी को पास में पहुंच गया। कृष्ण उसकी बहाना बना करके आए, और जो गोपी देख रही थी अपना जो बंसुरी थी, बंसुरी से उसको कपल गोबर में गालों में स्पर्श करवाया, और उनको थोड़ी तरफ में थोड़ी सी मीठी मीठी करके उनको तरफ में हंसे, और उनको एक बार तेरे से चितवन से उनको देख लिया। और जब उन्होंने देख करके कृष्ण जब चले गए, उसकी प्राण मन चित्त सब के सब कृष्ण चोरी करके कृष्ण लेकर चले गए, हैं। अब वो तो ठगी सी ठगी खड़ी सी खड़ी रह गई, खड़ी से खड़ी ठगी से वो ठगी रह गई। इतने में कृष्ण जब चले गए, सबके सब जो कृष्ण को दर्शन करने गए थे सबके सब वापस आए, लेकिन उसकी सास ने देखा, भैया मेरी बहू कहाँ गई, हैं, मेरी बहू कहाँ गई, तो आकर के देखा वो तो ठगी सी खड़ी से खड़ी रह गई। बोले मैं तेरे को बता रहा था ना, तू दर्शन करने के लिए मत जा, तेरे को वो काला सांप डांस देगा, तेरे को मैं मना कर रहा था ना, तुम मानी नहीं, देखा ना काला सांप तेरे को काट ही दिया, हाँ तेरे को काट ही दिया। अभी उसका तो मन प्राण चला गया, वो तो ठगी सी थी। उसके सास ने सोचा उसको किसी घर की काम में लगा दे, बोले इधर आ जा, बोले यहाँ पर बैठो और तुम दधि मंथन करो। लेकिन जो दधि मंथन कर कर चली गई, थोड़ी देरी बाद में आ करके देखती है वो दधि मंथन कर क्या करेगा, वो राई मंथन कर रही है, हैं, सोरिसा को मंथन कर रही है। सोचा ये तो इसका मन वापस कैसे लाए, बोले थोड़ा चलने फिरने का काम में लगा दे, बोले जा कुएं से पानी भर कर ले आ। सूरीनाम में कोई कुएं से पानी भरे हो? कौन कौन कुएं से पानी भरे, हाँ। इसलिए पहले कुआ होता था, कुएं से बोले पानी भर कर ला। हाथ में एक बालक पकड़ लिया, पकड़वा दिया, तीन चार मटकी रख करके बोले जो पानी भर करके लाओ। अभी वहां पर गई
और दूसरे दूसरे गोपियां भी पानी भर रही थी, वो रस्सी कलसी में क्या लगाएगी, वो रस्सी तो उसका साथ में जो बच्चा था उसकी गले में ही रस्सी को उन्हें लगा दिए, और वो बच्चे को उसने कुएं में, वो बच्चे को डाल रही थी कुएं में, इतने में जब डाल रही थी इतने में दूसरे दूसरे किसी ने कहा, बोले भैया इसको तो भूत लग गया है, इसको भूत लग गया है इसको, इतने में वहां पर अनुभूति संपन्न गोपिया थी, बोले इसको भूत नहीं लगा, इसको तो मैया जसोदा नंद बाबा का पुत लग गया है, हाँ? कहते ये पुत्र रूपी भूत लग गया, कहते साधारण भूत लगे ना भैया, ओझा तो उसको मंत्र से वो भूत को छुड़ा देती है, लेकिन कृष्ण, हाँ, कृष्ण रूपी अगर भूत लग गया ना भैया, ये मंत्र से छोड़ने वाला नहीं है, ये प्रेम क्या होता है, वो भूत धीरे 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 उसको ऊपर में ज्यादा के ज्यादा, जितने मंत्र पढ़ो उतना उसको ऊपर में ज्यादा असर करता है, इसलिए ये भूत उतरने वाले नहीं, कृष्ण रूपी भूत कभी उतरते नहीं, इसलिए गुरुदेव कहते थे मुहुरा हो रसी का भूवि भाव का, यद्यपि ये भक्ति रस को सबके सब पान किया है, लेकिन पूर्ण रूप में किसने पान की, बोले ब्रज गोपियों ने पान की, बोले कैसे, तब गुरुदेव उदाहरण देते थे ऐसे ही गोपियां कैसे कृष्ण चिंता में कृष्ण भक्ति में गोपियां कैसे डूब जाती थी, ब्रज गोपियां हैं, ब्रज गोपियां, इसलिए आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य दिन क्या कर रहे हैं, हम भी उसी भक्ति रस को प्रभु जी के घर में कृपा कृष्ण कृपा जी के घर में बैठ करके भक्ति रस को आज भी हम लोग पान कर रहे हैं। बोले से कृष्णा कथा की, हाँ देखो हम लोग तो कितना समय रह गया विजय, खत्म हो गया, हाँ ठीक और 5 मिनट सुन लो, कहते हम लोग कथा सुन रहे थे, कौन सा कथा सुन रहे थे, क्या कथा सुन रहे थे, जोर से बोलो, माधुर्य कादम्बिनी, इसलिए कल हम लोगों ने कथा सुनी थी भक्ति एक लता है, ये भक्त रूपी जो लता है हैं, लेकिन जब तक इसका बीज नहीं होगा तब तक ये लता हो ही नहीं सकती है, लेकिन ये बीज श्रद्धा है, हैं, और ये बीज कहाँ से मिलता है, ये बीज कहाँ से मिलता है भक्ति, इसलिए कल हम लोग ने सुना था भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, भक्ति तभी मिलती है किसी भक्त के हृदय से, किसी भक्त की हृदय से ही भक्ति मिलती है, इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण किया था श्री हैं, इसलिए श्री भागवत से 2 श्लोक सुना था, कहते रघुगणी न तपस्या न जाति न इज्जया, कहते जितने तपस्या कर लो, जितने बार व्रत कर लो, जितने वेद पढ़ लो, जितने तपस्या कर लो, भक्ति मिलने वाले नहीं, भक्ति मिलेगी कैसे, केवल भक्ति मिलेगी तभी जब किसी भक्तों की कृपा हो, जब किसी भक्त की कृपा हो तभी भक्ति मिलेगी, नहीं तो भक्ति मिलने का और कोई उपाय है नहीं, कहते यहां तक भी कृष्ण को भी अगर कभी भक्ति पाना है ना, कृष्ण क्या करते हैं, वो भी भक्तों की कृपा को प्राप्त करते हैं, कृष्ण भी कहते अनुब्रजामि अहम नित्यंग पुए एत अंग्रि रेणु, भी कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, बोले हे उद्धव जी मैं भी भक्तों का पीछे 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 मैं भी भक्तों का पीछे पीछे चलता हूं, बोले क्यों, बोले भक्ति पाने के लिए, भक्तियों को पाने के लिए मैं भी भक्तों का पीछे पीछे चलता हूं, बोले आप भी भक्ति पाने के लिए चाहते हो, बोले हाँ, बोले आप क्यों भक्ति पाना चाहते हो, देखो मैं बाद में आपको सब पूछूंगा, कोई बता सकते हो भगवान क्यों भक्ति पाना चाहते हैं, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, भगवान क्यों भक्ति पाना चाहते हैं, भक्तों को पीछे पीछे भगवान क्यों चलते हैं, बताओ, हाँ बोला क्यों, हाँ शशिकला बोलो, हम देखते हैं क्यों परीक्षा कर रहे कौन सही उत्तर देता है, क्यों भगवान की क्या जरूरत है भक्ति पाने का, वो तो भगवान है, full with anarthas.
हरे कृष्ण गौर प्रेमानंद हरे यू वांट टू स्पीक Krishna, Krishna Karshini, so he can do nothing about it. He's attracted by that flavor and he wants to taste that flavor because everyone has a different mood in flavor. In bhaktas, there are different bhaktas. So everyone has this different and specific fragrance and taste in this bhakti and he wants to taste everything because he's the enjoyer. Yeah, thank you. Hold so. इसलिए अच्छी बात है. इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर की बात को विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, बोले भगवान को भक्ति की क्या जरूरत है, फिर भगवान भक्तों का चरण धूलि क्यों चाहते हैं, क्या है. तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, आप लोग सुनना फिर बाद में मेरे को बोलना. इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, भगवान विषय विग्रह है और जो भक्त ये आश्रय विग्रह है. भगवान विषय विग्रह, भक्त आश्रय विग्रह है. होने का नाते भगवान को जो आस्वादन है वो विषय विग्रह का आस्वादन भगवान को, लेकिन जो आश्रय विग्रह का जो आस्वादन ये भक्तों को. और आश्रय विग्रह में सर्वश्रेष्ठ कौन है, बोले श्री राधा रानी. श्री राधा रानी. अभी कृष्ण को जितना रस प्राप्त होता है, जितना आनंद मिलता है, राधा रानी को उससे करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलता है. एक गुण नहीं, दो गुण नहीं, सौ गुण नहीं, करोड़ों गुण राधा रानी को आनंद प्राप्त होता है. इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, भैया मैं तो स्वयं विषय विग्रह, जैसे रसगुल्ला. अभी रसगुल्ला को पता नहीं भैया रसगुल्ला में क्या स्वाद है. किसको पता है? रसगुल्ला जो खाता है, रसगुल्ला जो खाते हैं उनको पता है रसगुल्ला में क्या स्वाद है. उसी तरह कृष्ण कौन है, कहती रस वैसा, रस स्वरूप भगवान है. लेकिन ये रस को कौन पान करती है पूर्ण रूप में? सब भक्त पान करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप में श्री राधा रानी पान करती है. पान करने का नाते कृष्ण सोच रहे हैं, इसलिए महाप्रभु रूप में कृष्ण क्यों आए, यही कारण था. कारण यही था, कृष्ण सोच रहे हैं, मैं स्वयं आनंद कंद हूं, मैं स्वयं रस स्वरूप हूं, स्वयं मैं प्रेम स्वरूप हूं, लेकिन राधा रानी मुझे भी दर्शन करती, मैं राधा रानी को भी दर्शन करती हूं. लेकिन राधा रानी के शरीर में जो दिव्य उन्माद है, उनके शरीर में जो प्रेम वैचित्रता, राधा जी के अंदर में जो अद्भुत जो दिव्य, जिस चीज को मैं भी देख करके मैं भी आश्चर्य में पड़ जाता हूं, हैं? और राधा रानी मेरी प्रेम में स्वयं विभोर होकर के मूर्छित हो जाती है. लेकिन मैं कभी राधा जी को देख करके मूर्छित नहीं हुआ. इसलिए मेरे को जितने आनंद उससे ज्यादा, कहते मेरे नाम सुन करके विश्व ब्रह्मांड पागल हो जाता है, लेकिन जब मैं राधा रानी का नाम सुनता हूं मैं स्वयं पागल हो जाता हूं. मेरी बंसुरी की आवाज सुन करके विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं. बोले त्रिजगत मानस आकर से मुरली कलकुजित, भगवान की बंसुरी सुन करके विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं. लेकिन मैं जब राधा रानी की गले की आवाज सुनता हूँ ना, मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ. मेरा शरीर इतने कोमल, इतने मीठा मेरा शरीर है, सारा दुनिया मेरे शरीर को प्राप्त स्पर्श करके दिव्य आनंद प्राप्त होता है. लेकिन मैं जब राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ. इतने राधा जी के शरीर इतने कोमल हैं, इतने कोमल अंग श्री राधा रानी. कहते राधा रानी के अंग कितने कोमल, उदाहरण दिया, जो 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 चंद्रमा का किरण है ना, कितना सुशीतल चंद्रमा का किरण, लेकिन राधा रानी के अंग इतने कोमल, कहते चंद्रमा का किरण भी राधा रानी के शरीर को ताप लगती है. लेकिन जब राधा रानी कृष्ण सेवा करती है ना, कृष्ण के लिए रसोई बनाती है नंदगांव में, चारों तरफ में स्टोव जला हुआ है, हाँ, चारों तरफ में स्टोव जल रहा है, हाँ, भाटी जल रही है, 15-20 जल रही है, राधा रानी बीच में बैठी हुई. लेकिन राधा रानी इतने आनंद में विभोर है, क्यों? कृष्ण के लिए रसोई बनाती है. कहते लगता है जैसे एयर कंडीशनर रूम में बैठी हूँ, हाँ, राधा रानी जैसे एयर कंडीशनर रूम में बैठी हूँ. राधा रानी का शरीर बहुत कोमल, राधा रानी का शरीर. इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, भैया राधा जी के अंदर में जरूर कुछ दिव्य आनंद है, दिव्य वस्तु है. इसलिए कलयुग में अभी कृष्ण सोच रहे हैं, वो चीज को मैं आस्वादन कैसे करूं? बोले जब तक मैं राधा जी की भाव और अंग कांति नहीं लूँ ना, तब तक ये रस को मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूँ. इसलिए कलयुग में
कृष्ण ने राधा रानी से दो चीज उन्होंने उधार लिया। बोले दो चीज क्या उधार लिया, एक तो राधा जी के भाव को उधार लिया और एक राधा रानी का कलर, राधा जी का भाव और राधा जी का कलर को लेकर के कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में अवतरण हुए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, इसलिए लेकिन कैसे आस्वादन करेंगे, आस्वादन कैसे करेंगे, भक्ति को द्वारा, लेकिन भक्ति मिलेगी कहाँ, और भक्ति देवी कौन है, भक्ति देवी कौन है, श्री राधा रानी, ये भक्ति देवी है। जब तक ये भक्ति की कृपा नहीं होगा ना भैया, तब तक जीव वो भक्ति को आस्वादन नहीं कर सकती है। इसलिए कृष्ण भी स्वयं अपना रस को आस्वादन करने के लिए राधा जी के चरण में शरणागत होते हैं, होकर के राधा रानी से उन्होंने भक्ति को प्राप्त करते हैं, प्राप्त करके जा करके कृष्ण फिर स्वयं, फिर स्वयं कृष्ण होकर के दिन भर जैसे राधा रानी हा कृष्ण बोल करके जैसे पछाड़ खा जाती थी, जैसे प्रेम में दीवानी बनती थी, इसलिए महाप्रभु का रूप देखो हर समय हाथ उठा करके, प्रेम में हाथ उठा करके दिन रात उसमें विभर है, है? इसलिए कहते ये भक्ति कहाँ से मिलती है, बोले भक्तों से ही भक्ति मिलती है, और भक्ति देवी श्री राधा रानी। हाँ देखो अभी नवद्वीप परिक्रमा है, नवद्वीप परिक्रमा कौन कौन जा रहे हैं, नवद्वीप, नवद्वीप कौन कौन जा रहे हैं पूछो, एक दो भक्त जा रहे, इसलिए देखो नवद्वीप धाम का जो परिक्रमा की जो महिमा है ना, बहुत महिमा है। शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती ये विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है, लाख लाख बार कोई परिक्रमा कर ले, लाख लाख बार, अगर एक बार कोई श्री नवद्वीप धाम का कोई परिक्रमा करता है उससे करोड़ों गुणों ज्यादा लाभ होता है नवद्वीप धाम परिक्रमा में। ये शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, इसलिए बोले किस समय श्री अनंत देव महाविष्णु के पास में गए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से हमने सारे धाम देखा लेकिन अभी तक वृंदावन धाम दर्शन नहीं कर पाए। महाविष्णु स्वयं कहते हैं, बोले तेरी बात छोड़ दो, मैं स्वयं महाविष्णु होकर के भी वृंदावन धाम में नहीं गया, कहते स्वयं कारण दोषाई गर्भ दोषाई, हाँ ये लोग भी वृंदावन धाम प्रवेश नहीं कर पाए, शंकर तो गोपी बनकर के आ गए तभी प्रवेश नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी उसको बाहर पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, लक्ष्मी तो बैल वन में बैठ करके अभी भी तपस्या कर रही है, और उद्धव जी वहां पर घास बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इतना आसानी नहीं वृंदावन धाम जाना। कहते एक उपाय है, बोले क्या उपाय है, बोले जब तक कोई गोपियों की अनुगत नहीं करता है ना तब तक वृंदावन धाम कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बोले भैया गोपियों की अनुगत्य भी इतना आसानी बात नहीं, इतना आसानी बात नहीं गोपी अनुगत्य के लिए, विश्व ब्रह्मांड हाँ उनकी भाव के लिए उद्धव नारद जी तरसते हैं। बोले भैया फिर तो प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं, और एक सरल उपाय, बोले क्या है, बोले वही ब्रज प्रेम को देने के लिए अभी स्वयं कृष्ण कलियुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप धाम में अवतरण हो गए। अगर कोई श्री नवद्वीप धाम जाए परिक्रमा करे वैष्णव की अनुगत्य में, नवद्वीप धाम की परिक्रमा करे, उनका लीला स्थलियों में जाए, वहां पर कथा सुने, वहां का धूल अपना शरीर में लगाए, कहते गौर प्रेम रसार नवे सेतरंग जेबा डूबे से राधा माधव अंतरंग, महाप्रभु का लीला रस में प्रवेश करते ही अपनी आप उनको राधा कृष्ण का प्रेम अपनी आप प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे सरल उपाय किया, नवद्वीप धाम जाकर के परिक्रमा करो। फिर पार्वती फिर प्रश्न करती है, बोले प्रभु ये नवद्वीप धाम की इतने महिमा क्यों है, कारण क्या ये नवद्वीप धाम की इतने महिमा। तब शंकर जी कहते हैं, देखो बड़ी सुंदर स्टोरी सुना है, बोले एक समय राधा रानी देखती हैं कृष्ण कहीं एक समय आने पर, ठीक एक समय आने पर कृष्ण बिना बोले कहीं गायब हो जाते, लेकिन जब वो वापस आते हैं ना इनका मन में कुछ चंचलता दिखती है। अगर कोई पति बिना पति पत्नी को बोले छुप करे कहीं जाए और वहां से वापस आकर के उसका मन में कुछ चंचलता दिखे, पर पत्नी का मन में क्या डाउट होगा बताओ, बोले भैया कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, हाँ लगता है कुछ गड़बड़ी है, और किसको तो प्रेम नहीं कर रहे। कहते जो स्त्रियां हैं ना पति का मन को आसानी से समझ देती है, इनके अंदर में एक विशेष गुण, लेकिन जो पति पति है ना पत्नी को नहीं समझ सकती है, लेकिन जो पत्नियां पति को मन को अपने आप समझ लेती हैं। इसलिए राधा रानी समझ गई कुछ गड़बड़ी हो रहा है,
एक दिन राधा रानी ने एक सखी को, हाँ, एक सखी को बोले देखो तुम एक बार क्या करना, उनको फॉलो करना, तो कृष्ण बिना पूछे क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं, एक बार फॉलो करना। सचमुच से वो सखी धीरे 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 फॉलो किया कृष्ण जाते हैं कहाँ। चलते चलते उन्होंने देखा सचमुच से राधा रानी जो शंका सही, बड़ा सुंदर एक स्थान है, जैसे यहाँ पर यमुना बहती हैं वहाँ पर गंगा बह रही हैं, जैसे यहाँ पर कदम तमाल ट्री वहाँ पर भी कटहल ट्री, वहाँ पर भी नारियल पेड़ है, आम वृक्ष है, बड़े सुंदर बेली चमेली, और वहाँ पर गंगा बह रही है, बड़ा सुंदर स्थान है। और वहाँ पर एक सखी जिसका नाम बिरजा, छुप करके वहाँ पर मिलते हैं। उसने आकर के बोल दिया राधा रानी को, राधा रानी तो फलों की बोले ये गड़बड़ी करते हैं, हैं, इसलिए राधा रानी फलों की। जब राधा रानी वहाँ पहुँच गई ना, वो जो बिरजा सखी थी इतने डर गई, बोले राधा जी को कैसे पता चला, हैं, इतने में वो तो एक नदी होकर के बहने लग गई, और जो कृष्ण थे ना वो तो डर करके कहीं कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इतने में बोले ओ कृष्ण को ये स्थान प्रिय है, इतने में राधा रानी वहाँ पर खड़ी होकर के सुंदर उन्होंने बंसुरी बजाई, अब बंसी ध्वनि सुन करके कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं। जब प्रकट हुए, अभी राधा कृष्ण जब प्रकट हुए, देखते देखते राधा कृष्ण दोनों एक होकर के श्री महाप्रभु का रूप धारण किया। सखियों ने देखा ये क्या हो गया, ये दोनों मिलकर के तो महाप्रभु बन गए। जितने सखियाँ थी ना सबके सब अपना स्वरूप बदला दिया, जो स्वरूप दामोदर ललिता स्वरूप दामोदर बन गई, विशाखा राय रामानंद, रूपमंजरी रूप गोस्वामी, लगमंजरी सनातन, सबके सब पुरुष रूप धारण किया। और वहीं पर उन्होंने भगवान की सुंदर वो कीर्तन करते हैं, बड़े सुंदर कीर्तन किया, करते 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 धीरे 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 फिर सबके सब अलग हो गए। तब राधा रानी ने देखा श्याम सुंदर को ये स्थान प्रिय है, तब राधा रानी अपना हृदय से ये जो नवद्वीप धाम है, वो नवद्वीप मतलब नॉट द्वीप है, द्वीप नहीं न कुंज है, न कुंज है। तब राधा रानी उन्होंने न कुंज बनाया वहाँ पर बना करके, बोले श्री श्याम सुंदर को ये प्रिय स्थान है, तो वो कुंज रूप में परिवर्तन हुआ, इसलिए नवद्वीप धाम नहीं ये नॉट हो राधा जी के हृदय से निकले हुए कुंज है। और राधा रानी का हृदय जैसे दयालु, हृदय से प्रकट हुई ना राधा रानी, बड़ी दयालु बड़ी कृपालु है, इसलिए वो धाम में जाने पर भी वो धाम भी बड़ा कृपालु बड़े दयालु, वो कृष्ण प्रेम को सारे अपराध को सारे नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा इंद्र जो अपराध किया कृष्ण चरण में, सबके सब वहीं पर जन्म होकर के उन लोगों ने साधन भजन किया, इसलिए नवद्वीप धाम की बड़ी महिमा है। बोले श्री नवद्वीप धाम की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आरती करेंगे ना, कहाँ गए कृष्ण कृपा प्रभु जी, श्यामा प्रिया दीदी